हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज किचन से वेलकम कर रही हूँ और आवाज़ से थोड़ा फ़र्क भी समझ में आ गया होगा। कैप्सिकम का मैं आज एक रेसिपी दूंगी और ये है तोरा लीव्स, इंग्लिश में तोरा लीव्स बोलते हैं। इसका मैं एक रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर ट्राई करना, ये मानसून में बहुत अच्छा लगता है। आधा ग्रेटेड कोकोनट ले रही हूँ, उसमें थोड़ा सा इमली डाल रही हूँ और थोड़ा सा नमक डाल के और 10 से 12 रेड चिली डाल के पीस लेंगे। उसके बाद धनिया और उड़द दाल को थोड़ा सा भून के, खुशबू आने तक भून के, उसको भी लास्ट में ग्राइंड मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। एक कढ़ाई चढ़ा के मैं टोमेटो राइस बना रही हूँ। थोड़ा सा तेल, जीरा, ग्रीन चिल्ली, थोड़ा सा 3 से 4 लहसुन की कलियाँ और अनियन और टोमेटो को अच्छे से सॉटे कर लेंगे। उसके बाद राइस डाल के नमक और रेड चिल्ली, हल्दी इतना डाल के राइस, टोमेटो राइस बना ले रही हूँ। कैप्सिकम की करी बनाने के लिए थोड़ा सा तेल लीजिए, उसमें सरसों डाल दीजिए 1/2 टीस्पून, फिर उसमें 1 बड़ा अनियन जाएगा, इसे अच्छे से भून लेंगे। फिर साथ में इसी के साथ शिमला मिर्च भी डाल के थोड़ा सा भून लेंगे। शिमला मिर्च के साथ मैंने आलू भी डाला था, वो क्लिक मिर्च से कहीं मिस हो गया, तो दोनों को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हमने पिसी हुई मसाला इसके अंदर डाल के थोड़ी सी उबाल आने देंगे और हमारा ग्रेवी रेडी है। शिमला मिर्च की रेसिपी रेडी है, इसके ऊपर आप धनिया भी गार्निश कर सकते हो। यहाँ पे मैंने रात को ही भिगो के रखा था, थोड़ी सी एक मुट्ठी भर तुअर का दाल और 1 कप फुल राइस और 6 से 8 रेड चिली, थोड़ा सा टैमरिंड
और सॉल्ट डाल के मैं थोड़ा ग्राइंड कर लूँगी, कोर्सली ग्राइंड करना है इसे। थोड़ा नहीं, उसे अच्छे से धो के साइड पे रखा था। अभी इस बैटर के अंदर मैं लीव्स को ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसको कोट करना है और फ्राइंग ऑयल में फ्राई करना है। बस इतना ही सिंपल था ये रेसिपी, बहुत ही टेस्टी बनता है। आप एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिए और फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए। हाय फ्रेंड्स, हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं, किचन का पूरा काम कर दिया है, ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ बन गया है। अभी छवि फर्स्ट स्नैप ले रही है, इसीलिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहती थी। मेरे शॉर्ट्स पे एक वीडियो गया है मीशो से कुछ कपड़े खरीदे हुए, वो मैंने डाला था। उसमें मुझे कुछ बताना था क्योंकि लिए जो मैंने मंगवाया था उसमें एक आध को छोड़ के दो पीसेस में बहुत क्वालिटी इशू था मुझे, वो मैं अभी दिखाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। तो कपड़े खरीद कर प्लीज़ देख के ख़रीदा कीजिए, वहाँ पे रेटिंग्स बहुत अच्छे अच्छे तो होते हैं, लेकिन आने के बाद ये था 5 का सेट, 200 रुपीज़, आई थिंक 230 रुपीज़ होगा। इसका क्वालिटी बहुत अच्छा है, प्योर कॉटन का है, प्रिंट्स भी बहुत क्यूट क्यूट है एंड कलर कॉम्बिनेशन भी लाइट डार्क मिक्स है। छवि के पास लॉन्ग स्लीव के टॉप नहीं था, टी शर्ट नहीं था, इसीलिए मैंने मंगवाया था। उसके पास जो भी है स्लीव्स है। हमने कुछ अभी तक उसके लिए ऐसा कोई शॉपिंग ही नहीं किया, उसके लिए गिफ्टेड ड्रेस था और उसकी दीदियों का ड्रेस था, इसीलिए हमने ज़्यादा ख़रीदा नहीं था। अभी विंटर है थोड़ा, तो उसको फुल स्लीव्स पहनना पड़ेगा, इसीलिए मैंने ये 5 पीस का सेट ऑर्डर किया है। ये बहुत अच्छा क्वालिटी का है। और ये एक ड्रेस है, सेट्स है, ये 3 सेट है, पैंट और शर्ट साथ में आता है। इसी तरीके से कलर अलग है, पैटर्न सेम है, आई थिंक डिज़ाइन भी थोड़ा बहुत सेम ही होगा। तो ऐसा वाला सेट है, इसे 230 रुपीज़ है एंड क्वालिटी वाइज ये बहुत अच्छा है। ओके, ये भी आप खरीद सकते हो आराम से, कॉटन है, बहुत अच्छा है। और थर्डली, ये पैर में ना सॉक्स टाइप होता है, तो इस तरीके का पैंट उसके पास कम था, क्योंकि अभी मैंने शर्ट ख़रीदा है तो मुझे और रॉम्पर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 300 में 6 पीस मिला है, आई थिंक 280 का 6 पीस मिला है, बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट्स हैं। ये भी कॉटन का है एंड थिक मटेरियल है, आप आराम से बीबी को नाइट या बाहर जाते वक्त, शाम को बाहर जाते वक्त, पार्क में ले जाते वक्त पहना सकते हो। प्रिंट्स भी बहुत ही ज़्यादा क्यूट क्यूट वाला है, तो ये भी आप खरीद सकते हो, कॉटन मटेरियल है। अच्छा, इसकी मैं बात करूँ तो ये लो क्वालिटी का आया है, ये इसीलिए मैंने रिटर्न कर रही हूँ। ये देखिए, देखने में तो ये बहुत अच्छा है, बट इसका मटेरियल यहाँ देखिए, यहाँ पे एक फटा हुआ है और सी थ्रू भी है, उतना थिक नहीं है, इसीलिए मुझे इसका मटेरियल अच्छा नहीं लगा, ये मैं रिटर्न कर रही हूँ। तो वही मैं बोल रही थी, जो अच्छा लगता है हम खरीद लेते हैं, बट देखने के बाद ही हमें समझ आता है कि वो अच्छा है या नहीं। वैसे मैं मीशो में अपने लिए ड्रेसेस कम खरीदती हूँ, छवि के लिए भी ड्रेसेस कम खरीदती हूँ, बाहर से ही खरीदती हूँ, लेकिन इस बार सेल लगा था, अच्छा क्वालिटी लग रहा था, इसीलिए मैंने ऑर्डर किया। फिर भी ये अच्छा नहीं था, इसे मैं रिटर्न कर रही हूँ। अच्छा, बहुत लोगों ने मुझे पूछा है इंस्टाग्राम में कि छवि के साथ तिरुपति बालाजी का दर्शन कैसा गया और आपने कब टिकट निकाला, ये सब पूछा था। तो मैं बता दूँ, तिरुपति बालाजी का दर्शन अगर 12 मंथ से बिलो बच्चा है तो आपको दोपहर 12 बजे से लेके 3 बजे के अंदर फ्री दर्शन है। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज बिल,
सॉरी बिल नहीं, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और पेरेंट का आधार कार्ड, ये तीनों लगता है। तो ये तीनों आप दिखा के फ्री दर्शन ले सकते हो, लेकिन 12 महीने क्रॉस नहीं होना चाहिए, 12 महीने के अंदर ही बच्चा रहना चाहिए। पेरेंट, बच्चे के पेरेंट, बच्चा और बच्चे के साथ कोई सिबलिंग है तो उसको भी फ्री दर्शन में हो जाएगा। इसके लिए सुपतम कहकर एक एंट्री वे है, वहाँ से जाएंगे तो आपको जल्दी मिलेगा और वहीं से एंट्री है, सुपतम में ही एंट्री है। और हमारा दर्शन 20 से 25 मिनट के अंदर ही हो गया था क्योंकि दोपहर पर रश नहीं रहता है, और उसी वक्त आई थिंक 60 प्लस एज वालों को भी उसी टाइम पे छोड़ते हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो इजी रहता है, आराम से जा सकते हो। कुछ कुछ लोगों को 2-3 घंटे भी लगे हैं, तो उस दिन के रश के ऊपर वो डिपेंड होता है। अगर आपका बच्चा 12 मंथ के अंदर है तो आप ज़रूर जाइए, सुपतम में से एंट्री लीजिए और बर्थ सर्टिफिकेट और आपका आधार कार्ड लगता है दर्शन करके। आज के वीडियो में मैं इतना ही रखती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।